तो गुड इवनिंग एवरीवन, हम माफी चाहेंगे, बहुत दिनों के बाद आज हम दोबारा फिर से क्लास लेने की प्रक्रिया शुरू की है। बीच में कोविड का दौर चल रहा है और थोड़ा सा कोविड के चलते थोड़ी सी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी। हम लोग फिर से वापस अपने प्लेटफॉर्म पर वापस लौट कर आ गए और उम्मीद करते हैं कि अब क्लासेस जो होंगे वो अपने कंटिन्यूटी वेव में चलना शुरू कर देंगे। और हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इस समय कोविड का दौर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, कोविड काफ़ी चरम सीमा पे चल रहा है, तो बेहतर होगा कि जितना आप घर पर रहें, जितना घर पर आप प्रोटेक्टेड रहें, घर पर जितना आप सुरक्षित रहें उतना बेहतर होगा। आवश्यकता ना पड़े तो आप बाहर ना जाएं। और सिम्टोमेटिक सिस्टम जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, सिम्टोमेटिक तो कम है पर एसिम्टोमेटिक ज़्यादा है, क्योंकि वेरिएंट नया मिला है जिनकी म्यूटेशन हुई है। और चूँकि आरएनएस जो वायरस है वो वायरस चूँकि आरएनए स्ट्रेन का है, तो इसके म्यूटेशन के चलते जो है वो मेडिसिन भी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। पर मेडिसिन ऐसा नहीं काम नहीं कर रही है, मेडिसिन बिल्कुल काम कर रहा है, पर होता है कि इफ़ेक्ट जो होते हैं थोड़ा सा कम और अधिक की बात आती है। तो बेहतर होगा कि आप जितना अधिक से अधिक घर पर रहेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक समय घर पर व्यतीत करेंगे, पढ़ाई लिखाई जब करिए, पढ़ाई आपके पास, हम कोशिश करेंगे कि अब आपको डेली क्लासेस हम दे देंगे, डेली क्लास आपको मिलेगा, आप एक एक क्लास करिए। चलिए आज हम लोग जो पीछे की क्लासेस जहाँ हम लोग कवर कर रहे थे उसी क्लास के बाद के हम आगे आज पढ़ाना शुरू करेंगे। आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम लोग एडेप्टेशन के कंसेप्ट को कवर कर रहे थे और एडेप्टेशन के कंसेप्ट में हमारे आपके बीच में बहुत सारे टॉपिक तय हो गया था कि जनरली एडेप्टेशन क्या होता है, किस तरह से ये एडेप्टेशन जनरली काम करते हैं, इसके काम करने का पैटर्न क्या होता है, इसके मेनली इसके डेवलपमेंट के स्टेप क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके थे। ठीक है, आज हम उसी क्लास के बारे में थोड़ी सी इब्रॉड मतलब उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और उस एक्सपेंड को थोड़ा सा किस आधार पर करते हैं आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब उसको समझते हैं कि हमें कैसे करना है। अगर आपको याद होगा तो हमारे आपके बीच में जब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सबसे पहले हाइबरनेशन के बारे में सीखा था। थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं। हाइबरनेशन का मतलब हमने कहा था कि हाइबरनेशन का मतलब ही क्या होता है, कहते हैं कि एक ऐसे एनिमल्स जो अपने उस एटमोस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी सर्वाइवल रेट जो होती है एक पार्टिकुलर वेदर में अच्छा होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि मार्सुपियन रैट होते हैं जो आपको आप कह सकते हैं कैटरेट जो होते हैं, ऐसे समझो कैटरेट जो होते हैं जनरली राजस्थान के बालू वाले इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी एडेप्टेशन रेट जो होती है, इनकी जो डेवलपमेंट रेट है, एडेप्टेशन रेट है, वो गर्मी के दिन में ज़्यादा होगा क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ता है, इस समय वेदर वहाँ पर काफ़ी ख़राब होता है, गर्मी में वहाँ के टेम्परेचर करीब 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो उस टेम्परेचर में भी जहाँ पे पानी इनको नहीं मिलता है उसके बावजूद भी इनकी ग्रोथ रेट जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो नेचर के साथ पहले वहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो इकोलॉजी के क्लास में हमने बताया भी था, जबकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है एक नई जगह पर जाता है तो वो जनरली 5 स्टेप को फॉलो करता है। पहला स्टेप ये होता है कि पहले वहाँ पर जाकर पहले तो वहाँ जाने के बारे में सोचता है, जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पर उसकी पहले वहाँ के एटमॉस्फेयर से फाइट करता है, एटमॉस्फेयर से फाइट करने के बाद जब वो बच जाता है तो फिर उसके बाद से वहाँ के खान पान को देखता है कि वहाँ पर मुझे खाने को क्या मिल रहा है, पीने को क्या मिल रहा है। फिर जब वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तब वहाँ पे अपना विकास मतलब वृद्धि करना शुरू करता है और फिर उसके बाद अपने पॉपुलेशन के रेट को बढ़ाना शुरू करता है। तो दिस इज द मेन method for the increase of the for the adapt the organism from one palace to another palace. ठीक है, this is the best method होता है, ये एक अच्छा concept माना जाता है।
किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने का। हमने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि हम एक जगह से अगर दूसरे जगह जाते हैं तो वहां जाने के बाद सबसे पहले हम अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं कि हाउ कैन आई सर्वाइव। सबसे पहला टारगेट हमारा ये होता है, हाउ कैन आई सर्वाइव, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि वहां पे जाकर वहां के एटमोसफेयर और वहां पे हर चीज को देखकर सर्वाइव करना ही डिफिकल्ट वर्क होता है। तो यही होता है आपका क्या चीज है, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक पार्टिकुलर एटमोसफेयर में सर्वाइव करना कोशिश करता है, वो उसका फेवरेबल कंडीशन है एक पार्टिकुलर सीजन, पार्टिकुलर वेदर, हम लोग कहते हैं सीजनल ब्रीडर, ठीक है। अब चूंकि सीजन पार्टिकुलर सीजन में वो ब्रीडिंग करता है, अब पार्टिकुलर सीजन में पार्टिकुलर वेदर में वो अपने आप को अडेप्ट करता है। लेकिन आप क्या करते हो उसे कहते हो नहीं, अब तुम पार्टिकुलर वेदर में या पार्टिकुलर सीजन में ना अडेप्ट करके अब हमारे अकॉर्डिंग तुम अपना अडेप्टेशन करोगे, हमारे अकॉर्डिंग तुम अपने ग्रोथ को डेवलप करोगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हाइबरनेशन, और इस तरह के जो एडेप्टेशन प्रोसेस मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन एडेप्टेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे और एडेप्टेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो जिस वेदर में या जिस सीजन में वो सर्वाइव कर रहा है उसमें वो अब इस वेदर में सर्वाइव ना करके वो किसी दूसरे वेदर पर आसानी से, वेदर या सीजन में आसानी से अडेप्ट कर जाए, मतलब अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, अपना ग्रोथ अपना डेवलपमेंट कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, ठीक है। दूसरे हमने बात किया था, हमने कहा था क्या कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में हमने कहा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो एस्टिमेशन में कहा था कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है एक बड़े टेम्परेचर रेंज में, ठीक है, जो एक जनरली एक हायर टेम्परेचर रेंज, या मैंने कि सपोज करो स्टार, उसमें हम एग्जांपल आपको दिए थे जितने भी इंसेक्ट हैं, लंग फिक्स है, या कुछ खास करके माइम्फीबियन हो गया, मेमेलियंस हो गए, ये क्या होते हैं इनमें, कहा कि जितने एक खास करके पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है और जिसको हम लोग आगे चलकर कहते हैं एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म। एम्फीबियन कहा जाता है क्योंकि इनके प्लांट के या ये एनिमल्स जो होते हैं, आप खास करके फ्रॉग को देख लो, वो जनरली पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन पानी में रहते रहते वो कभी कभी एटमोस्फेयर में के एयर के संपर्क में आते हैं, तो बाहर तो काफी गर्मी होती है, तो कभी कभी क्या होते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो एडेप्ट कर मतलब कि वो सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं कि हम बाहर भी आसानी से थोड़ी देर तक अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो दैट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर फाइट टू अगेंस्ट द टेम्परेचर, यानी कि दिज आर सर्वाइव जनरली द ऑर्गेनिज्म विच आर जनरली सर्वाइव इन द लोअर टेम्परेचर, दे आर ऑलवेज ट्राई टू फाइट, ऑलवेज ट्राई टू सर्वाइव इन द मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर ऑलवेज स्टे इन द मैक्सिमम टेम्परेचर, दे वॉन्ट टू सर्वाइव इन द लोअर टेम्परेचर। तो इस तरह की जो इंटरचेंज होती है, जो क्रॉस इंटरचेंज होती है, इस तरह के चेंजेस को हम लोग करते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिमेशन के बाद अगला टप्स आता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन आपसे पहले बता रहे कि माइग्रेशन इज द फर्स्ट कंसेप्ट है। माइग्रेशन में क्या होता है कि माइग्रेशन में दो टर्म आता है, ठीक है, एक होता है माइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन, ठीक है। एक होता है इन माइग्रेशन यानी कि आई, और एक होता है इमिग्रेशन। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं, ठीक है। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के बाद वहां जाकर अपने आप को कैसे ये सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पर अपने आप को कैसे जाकर वहां पर एडेप्ट कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि ऑर्गेनिज्म वहां जाकर वो सर्वाइव कर कैसे रहा, वहां पर अपना वो रह कैसे रहा। क्योंकि जैसे मैं अगर मान लीजिए कि जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दें, ठीक है, आपको नाम सुने होंगे साइबेरियन का, साइबेरियन बर्ड्स का नाम सुने होंगे आप, अगर उत्तर प्रदेश के अगर वाराणसी से होंगे तो आपको साइबेरियन पक्षी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से ये पक्षी आती है। सोचिए ये साइबेरियन पक्षी जो है वो स्टेट को पार नहीं करती है, कई कंट्रियों को पार करके साइबेरियन पक्षी जो होती है वह इंडिया में आती है, ठीक है। अब ये जैसे ही मार्च, फरवरी मार्च का महीना शुरू होता है, अपने यहाँ क्या है कि फरवरी मार्च के महीने में हल्की हल्की ठंडी जब पड़ती है, खास करके पक्षियां जो होती है वो गर्मी मने ठंडी में ज्यादा ये पक्षी अपने यहाँ रहती हैं, तो क्या होता है कि फरवरी मार्च के महीने में आप देखेंगे गंगा के किनारे पे बहुत सारी पक्षियां आपको दिखाई देती हैं,
ये सारे के सारे जो है वो साइबेरियन पक्षी के नाम से जाते हैं, क्योंकि साइबेरिया का वहां पे जंगल है, वहां पे सब ज्यादा पक्षियां समुद्र किनारों ज्यादा रहना पसंद करती है, पानी में रहना। तो ये जितने भी साइबेरियन पक्षी हैं ये क्या है, माइग्रेटेड पक्षी है। ये क्या करती है, अब जब वहां पे गर्मी होना शुरू होता है तो ये यहाँ पे पक्षी चली जाती है, और यहाँ के ठंडी के दिनों में ये रहती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी रहती है, और जैसे ही यहाँ पे गर्मी शुरू होता है ये यहाँ से चली जाती है वहां पे। तो ये कई हजार किलोमीटर ये पक्षियां जगह अपना डिस्टेंस कवर करती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म, अब ये भी क्या है, एक एडेप्टेशन है क्या, कि इंडिया में आकर इंडिया के एटमोस्फेयर में अपने आप को सर्वाइव करना, फिर यहां से जाती हैं कहां, साउथ अफ्रीका, वहां के जाकर वहां के एटमोस्फेयर को सर्वाइव करना। ऐसा तो नहीं कि जहाज में इनको भर कर रख देता है, ये अपने पंखों के बल पर चल के आती हैं, अपने पंखों के बल पर चल के जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको बीच में भी कई सारे कंट्री को पार करना है, तो उस स्थिति में भी इनको वेदर फेस करना पड़ेगा, वहां की सी टेम्परेचर को फेस करना होता है। तो इस सारी चीजों को अपने आप को एका करना, फिक्स करना कि हाँ इस टेम्परेचर में चलेंगे, ये जगह मिलेगा, इस तरह टेम्परेचर हमारे पास होगा, हम अपने आप को उसमें क्या करेंगे, सर्वाइव करके वहां तक पहुंच जाएंगे। तो दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एनी ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास है माइग्रेशन, ठीक है। इसके बाद आता है जो हम लोग कहते हैं इकोलेशन। इकोलेशन में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इकोलेशन का मतलब ही होता है, इको मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवाज, ठीक है। तो शब्द सब ही समझ में आ रहा है कि इकोलेशन क्या है। इकोलेशन क्या है, इकोलेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इको इको का मतलब ये क्या, साउंड, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका रिलेशन जो है वो किससे है, साउंड से है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका रिलेशनशिप जो है वो साउंड से है, मतलब कि ध्वनि से आती है बात। तो कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो साउंड प्रोडक्शन यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होते हैं, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के का कहते हैं साइट साउंड पर डिपेंडेंट होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इकोलेशन कहलाते हैं। जैसे मैं आप नाम सुना होंगे बैट मतलब चमगादड़, आप चमगादड़ को देख लो या डॉल्फिन को देख लो, ये दोनों किस पे काम करते हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। डॉल्फिन पानी में रहने वाली सबसे अच्छी मछली, डॉल्फिन, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी किस पे होती है, पानी, किस पे चलता है, इको पे चलता है। आप कभी बैट को देखना, बैट कभी भी जब भी वो काम करती है वो सेंसेशन पे काम करती है। आप देखोगे शाम को, खास करके बैट, आपको चमगादड़ इसको कहा जाता है, बैट जो है जनरली शाम को दिखाई देती है, दिन में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो जो उनके अंदर जो होती है वो रॉड सेल ज्यादा रात को दिखाई देने वाला ज्यादा पाए जाते हैं, कोन सेल इनमें कम पाई जाती है। जब हम पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी तो वहां आपको बताएंगे ह्यूमन आई में रॉड सेल और कोन सेल पाए जाते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें रॉड सेल और कोन सेल बहुत, जो उसमें रॉड और कोन दोनों पाए जाते हैं वो दोनों में रात और दिन दोनों में देखते हैं, लेकिन जिनमें रॉड सेल पाए जाते हैं वो रात को ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जिनमें कोन सेल होता है वो सिर्फ दिन में देख पाते हैं। तो उल्लू जो होते हैं उसमें सिर्फ रॉड सेल पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होती है, रोडोप्सिन सेल होती है, जो रात्रि के लिए सिर्फ दिखाई देता है, उसमें दिन में उन लोगों को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी फेनोमेना वाले ऑर्गेनिज्म है जिसमें इस तरह की चीजें दिखाई देती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि उनमें ये देखनी पड़ती है कि सर्वाइवल रेट कैसा है, ठीक है। अब देखो जितने भी रोडोप्सिन हो गए, क्लोरोप्सिन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब देखेंगे जब बैट जब चमगादड़ चलता है तो वो मतलब अंधों की तरह चलता है, और आपको जानकर एक बड़ी हैरानी होगी, जब वो अंधों की तरह चलता है और दीवार से ठीक पहले देखना हुआ अपने डायरेक्शन मूव कर लेता है, ऐसा लगेगा कि जाकर लड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, जाकर अपने डायरेक्शन मूव कर लेता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है कि जैसे ही दीवार के पास जाता है तो उसको सुनाई देता है, अरे यहाँ पे तो कुछ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और तुरंत उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं, वो अपने आप को डायरेक्शन वहां से मूव कर लेता है। ये क्या होती है, इको फिल्म, इको इको चीज पर होता है, ठीक है। दूसरी चीज, डॉल्फिन जो होते हैं अपने शिकार को इस तरह से हैंडल करते हैं, डॉल्फिन अपने शिकार को कैसे कब्जा करते हैं, यही तरीका होता है, वो जब चलते हैं तो उनके पास लगता है कि हाँ आज से कोई आस पास से कोई ऑर्गेनिज्म गुजर रहा है, ठीक है, अगर थोड़ा शार्पली अगर जाता है तो तुरंत उसको क्या करते हैं, वो अपना होल्ड कर लेता है, ठीक है। या डॉल्फिन जो होते हैं वो जंपिंग जो करते हैं, जंपिंग के भी उनकी पता है कितनी फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी, कितना दूर तक हमको जाना है। दिस इज द ऑल फेनोमेना डिपेंड अपॉन द क्या, इको फ्रीक्वेंसी, यानी कि
जो ऑर्गेनिज्म फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होते हैं और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इकोलोसन। ठीक है, तो इकोलोसन के कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास है ऑडिटरी लोकेशन सिस्टम। चलिए, अब ऑडिटरी लोकेशन सिस्टम में क्या है, इकोलोकेशन हो गया, अब इसके बाद है ऑडिटरी लोकेशन सिस्टम। अब देखो ऑडिटरी लोकेशन सिस्टम में क्या होता है, कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है जिनकी फेसियल स्ट्रक्चर और पोजिशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि डिपेंड, वो मदद करते हैं प्रे, और क्या करते हैं प्रे को पकड़ने में मदद करते हैं, ऐसा समझो। इनके जो फेसियल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी शिकार को पकड़ने में। कहने का मतलब क्या है, आपने देखा है उल्लू को, अगर उल्लू को आप और गौर से देखोगे तो उसकी फेस जो होता है वो फ्लैट होता है, फेस जो होता है उसका फ्लैट होता है। क्यों, अगर उसकी फ्लैट लंबी होती है तो उस स्थिति में वो होल्डिंग कैपेसिटी उतने अच्छे से नहीं करता है। तो फ्लैटेड बॉडी कहता है ना, उनके इनमें क्या होता है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म, आप उल्लू को भी देखोगे तो उल्लू भी जो होता है वह रात्रि चर होता है। फिर आप कहोगे कि सर ये उल्लू जो है वो रात्रि चर होता है, चमगादड़ भी रात्रि चर होता है, तो उल्लू को इकोलोसन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर, उसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं लोकेशन में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं, इसके पीछे रीजन होता है। उल्लू जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, चमगादड़ जो होते हैं वो रात्रि चर भी होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, उनके पास दूर से ही अगर कोई ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो पहचान में आ जाता है, उनकी बॉडी की भी फ्रीक्वेंसी काफी हार्ड होती है, लेकिन ऐसी कहानी उल्लू में नहीं होती है। ठीक है, तो उल्लू में और चमगादड़ को इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है, दोनों रात्रि चर होते हैं। उल्लू में क्या होता है कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से इनकी फ्लैटेड होती है कि वो अपने शिकार को करने में आसान होता है, क्योंकि जो दिन में तो रहते नहीं है, रात्रि को चलते हैं वो। ठीक है, और दूसरी चीज की उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है उल्लू की, वो जो होती है अगर फेस अगर लंबा होगा तो उसको वो उसको बैलेंस करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जितने भी खास करके ऑर्गेनिज्म जो रात को रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी आप देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रे को होल्ड करने में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं बार्म हो गया या ऑयल हो गया, इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएशन सेंस सिग्नल। ऑडिटरी के बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके बाद आता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएशन सेंस सिग्नल। ठीक है, तो कहते हैं कि इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें से क्रिएट होते हैं, जैसे में अगर आप देखोगे ग्रॉस हॉपर को देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएशन सेंस का मतलब क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं खास करके वह अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, उनको फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अल्ट्रा वायलेट रे के साथ, इनकी मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे गर्मी का दिन है, ठीक है, या कितनी फ्रीक्वेंसी से उनके पास लाइट आ रहा है, ठीक है, कितनी सनलाइट उनके ऊपर इफेक्ट हो रही है, या कोई भी अगर खास करके जितने भी ग्रॉस हॉपर होते हैं आप देखेंगे इंसेक्ट जो होते हैं जो खास करके बरसात के समय में क्या करते हैं रेडिएशन पर जो ट्यूबलाइट होते हैं या इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके आसपास वो ज्यादा दिखाई देते हैं। क्यों, क्यों उनको रेडिएशन अच्छा लगता है, वो उनकी टेंडेंसी ही होती है कि उस रेड लाइट मैंने कि स्ट्रीट लाइट पे उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम वहां से निकलता है और वहां स्पेक्ट्रम से क्या करती है उनको एक उस स्पेक्ट्रम में रहना उनके लिए एक सर्वाइवल रेट होता है, तो उस एडेप्टेशन में रहकर अपने आप को, ऐसा नहीं कि स्ट्रीट लाइट पर जाकर वहां रहेंगे तो उनको खाना ज्यादा मिलता है, नहीं, उनको वो क्या कहते हैं एक पार्टिकुलर फेवरेबल लाइट की वेवलेंथ उनको पसंद है
वहां पर वो अपने आप को अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं, रहना पसंद करते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ क्या है, ठंडे के दिन में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक धूप हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही धूप की जो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में वहां पर नहीं रह सकते। गर्मी के दिन में भी एक पार्टिकुलर हवा चलता है वहां तक चलता है, वो रही बंडर आ जाए, तूफान आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यही चीज उनके साथ भी होता है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि जो रेडिएशन निकलता है, जो बल्ब से या स्ट्रीट लाइट से जहां से रेडिएशन निकलता है उसमें अपने आप को वो आसानी से सर्वाइव करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या रेडिएशन सेंस रेडिएशन। एग्जाम्पल में आप याद रख लेना क्या कहते हैं, रैटल स्नैक्स, डॉग फीस, इलेक्ट्रिक रे, ये सारे के सारे इस ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रिप्टिक अपीयरेंस। क्रिप्टिक अपीयरेंस भी इसी का पार्ट है, रेडियो सिग्नल या क्या कहते हैं क्रिप्टिक अपीयरेंस या इसको हम लोग कहते हैं कॉमन फ्लेज। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कॉमन फ्लेज में बड़ा अच्छा तरीके से आपको हम समझा देते हैं। इसमें आप रेडिएशन में मत घबराइएगा, रेडिएशन से आपको, रेडिएशन में एक चीज और आपको समझा देते हैं, इसका दूसरा कैटेगरी आपको बताते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे में आप देखोगे स्टारफिश को, ठीक है, स्टारफिश हो गए, या आपको क्या कहते हैं डॉग फिश हो गया, या आपको कह सकते हो रे फिश हो गया। इन ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म के कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के होते हैं वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रहना पसंद करते हैं, जैसे में ग्रॉस ऑपर हो गए, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए जो स्ट्रीट रोड पर आपको मिल जाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होता है, समझना इस बात को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना एक्सटर्नल अपीयरेंस को शो करते हैं, वहां पर वो रहना और वहां पर अपने आप को अडेप्ट करना अच्छा लगता है उनको। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं कि जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होता है। अब आप क्वेश्चन करोगे कि ये बड़ा खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। हाँ, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनके अंदर क्रिएट होती है। आपने कभी रे फिश को देखा है? नहीं देखा होगा, जरूर देखा होगा। आप कहां देखे होंगे, कम से कम एट स्पेसिमेन देखा होगा लैब में, जब केमिस्ट्री बायोलॉजी के लैब में जाते हैं तो वहां पर आपको रे फिश देखने को मिला होगा, या आपको कैटल फिश, डॉग फिश देखने को मिला होगा। अगर थोड़ा सा आप बड़े हैं, जैसे ग्रेजुएशन के हैं तो आप बड़े ही होंगे, आपने अपने यहां एक मछली आती है उस, वह मतलब कि जो रोहू कैटल कैतला की तरह होती है, ब्लैक कलर की, उसको हम सिंगी मछली के नाम से जानते हैं। आप अगर कभी देखना तो उस मछली के सर पे दो ऐसे सिंग होते हैं, ऐसा सिंग मैंने हाथी और भैंस की तरह नहीं होता है, उसमें जो होते हैं ऐसे फ्लॉपी टाइप का, क्या समझ सकते हैं, फ्लैजिला जैसे निकला था ना, ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्या बोले उसको, अरे भैया क्या बोले उसको, मतलब एक धागे जैसे ऐसे निकली रहती है मोटी सी। ठीक है, वो मोटी वाले धागे को आप देखोगे गौर से तो आपको बताएं कि वो जो मछली होती हैं बहुत डेंजर होती हैं, मतलब उस धागे में इतना पावर होता है कि अगर आपको मार देती हैं तो कभी कभी वहां पे इतने तेज लगता है कि जो शिकार करने वाला व्यक्ति होता है वो बेहोश तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्राइकली एक तरह से वो रेडिएशन निकलता है उसके बॉडी से। इस तरह से स्टारफिश जो होते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, जो रेफिश होते हैं, रेफिश के जो पंख होते हैं उस पंख में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, वो पंख से मार देती हैं तो लोग बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रहना पसंद करते हैं। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पसंद करते हैं और दूसरा जो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पाए जाते हैं, उनके पंख में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। जो खासे क्या करते हैं, वह वहां के ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करते हैं और अपने आप को वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, क्रिप्टोनिक अपीयरेंस। क्रिप्टोनिक अपीयरेंस का मतलब आप इसे याद रखो आपके आपके एग्जाम में क्या कहते हैं कॉमन फ्लेज के नाम से क्वेश्चन आते हैं।
अब देखो ये कॉमन फ्लेज की कहानी क्या होती है, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है कॉमन फ्लेज की। कॉमन फ्लेज की कहानी में क्या होता है कि मान लो कुछ ग्रासहॉपर, हम ग्रासहॉपर का दोबारा एग्जांपल लेकर आते हैं, ठीक है, ग्रासहॉपर का हम दोबारा एग्जांपल इसे लेकर आते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। आप जब ग्रासों में घास में डालते हैं तो ग्रासहॉपर जो होते हैं जनरली घास के कलर के होते हैं। आपको ग्रासहॉपर ना समझ में आए तो लिजार्ड समझ लो, लिजार्ड नाम सुने हो ना, लिजार्ड जो वाल लिजार्ड नहीं, लिजार्ड की एक जो बड़ी प्रजाति होती है जो पेड़ों पर रहते हैं, जिसको हम लोग पता नहीं आपने, हम अपने भाषा में उसको बीसखोपड़ा बोलते थे, जो हमेशा ऐसे गर्दन हिलाता रहता है, ठीक है, उस और को याद करो, उसको गिरगिट कहा जाता है गांव में, अपने यहाँ एक कहावत भी होती है गिरगिट का रंग बदल लेना। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ग्रॉस ऑपर हो गए, गिरगिट हो गए, ये बहुत सारे सब इंसेक्ट होते हैं, सांप हो गए, ये सब क्या होते हैं, जैसे आपने जो पता है सांप देखा है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे मैंने जहां पर है यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर के सांप देखे। सांप को टहल रहे थे गार्डन में, घास पूरा अच्छे तरीके से पड़ा हुआ था और उसी घास में एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा दूब जो था, कॉलेज मतलब कॉलेज का पार्क, पार्क में हम लोग जा रहे थे तो उसमें हम लोग ऐसे खेप टहल रहे थे तो देखिए ग्रीन कलर का एक सांप जो है उससे चलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए कलर कैसा ग्रीन कलर का, घास भी कैसा ग्रीन कलर का, तो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट, चला तो दिखा रही आ रही तो सांप है, भागो यहां से। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रॉस ओवर होते हैं या ग्रिगिट होते हैं, ये अपने शिकार को, अगर ग्रॉस ओवर और ग्रिगिट दोनों की कहानी है, ग्रॉस ओवर क्या करता है कि अपने को प्रोटेक्टिव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है कि अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, वो अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, मतलब कि ग्रास घास में ग्रीन कलर के घास में जाकर छुप जाएगा, जो शिकारी होंगे वो पहचान नहीं पाएंगे। मान लो फ्रॉग है, मेढक है, वो घास खाने के चला है, सांप है खाने के चला है इंसेक्ट को, ग्रास ऑपर वो खाने के चला है और ग्रास ऑपर ग्रीन कलर का होते हैं ये खास करके, वो जाकर प्लांट में छुप गए, घास में छुप गए, पहचान में आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि इनके बगल में रिलेशनशिप होती है इंसेक्ट का, कॉमन सर्जन के कंसेप्ट आती है यहाँ पर। अब गाय के पीठ पे या भैंस के पीठ पर कौवा बैठ गया या घास उसकी जगह बगल में मेढक टहल रहा है, और जैसे ही ग्रेजिंग करती है गाय तो ग्रेजिंग करेगी तो जाहिर सी बात है उनकी फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ग्रास ऊपर उड़ेगा, जैसे उड़ेगा फ्रॉग कूद के खा लेता है। तो यहां पे कॉमन सर्जम होता है किसके किसके बीच में, फ्रॉग और काउ के बीच में। घास गाय अपनी घास चल रही है और उसमें से जो इंसेक्ट निकला फ्रॉग भी उठा के खा लिया, तो दोनों के फायदा, ठीक है, ना किसी को नुकसान नहीं। तो ये आपस में कॉमन सर्जम का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरे क्या होते हैं कि क्या कहते हैं, जो गिरगिट होते हैं वो क्या करते हैं, वो गिरगिट जो होते हैं वो कपड़ों उस पर पेड़ों पर आते हैं, वो पेड़ के कलर में रह जाते हैं, उसमें अगर कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो आराम से क्या करते हैं, वो टप्पा मारा खा लेते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हीं को हम लोग कहा जाता है क्या चीज, कॉमन फ्लेजर। तो कॉमन फ्लेज जो टर्म होता है वो इसी टर्म के लिए यूज होता है कि अपने, कॉमन फ्लेज का मतलब ही होता है कि अपने क्या कहते हैं शिकारी से बचने के लिए, ठीक है, प्रेडिकेट से बचने के लिए प्रे जो क्या करता है अपने आप को सर्वाइव करता, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्टेड करता है, और प्रोटेक्ट कैसे करता है, जहां पर रहता है उसी के अंदर वो छुप जाता है, मतलब उसी कलर में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। इसलिए ग्रास हॉपर और लिजार्ड, खास करके गिरगिट जो हिंदी बोलते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं इसके, ठीक है। इसके बाद है बस्टिन मिमिक्री भी लगभग लगभग इस तरह के टर्म होते हैं जिसमें प्रे एनिमल जो होता है वो मॉडल एनिमल को क्या करता है, प्रोटेक्टेबल करने का काम करता है, उसमें भी लगभग कंसेप्ट एक ही है। इसका नाम है मोलेरियन मिमिक्री। देखिए मोलेरियन मिमिक्री और मिस्टर मिमिक्री जो होते हैं दोनों खास करके एक ही तरह के होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वह एक दूसरे को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या डिफेंस करने के लिए, ऐसा समझ लो प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने आप को बचने के लिए क्या करता है कि उस एडेप्टेशन के अनुसार या उस एडेप्टेशन में अपने आप को सर्वाइव करता है।
ऐसा मैंने खास करके अच्छा एग्जाम्पल इसलिए काफी याद रख लो ना ग्रास हॉपर का, कि अपने आप प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करता है, घासों में छुप जाता है, उसी कलर को बन जाता है ताकि उसे आराम से कोई बाहरी प्रेयर उसके ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है, तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट है आपके। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा, अब आगे जब क्लास में मिलेंगे तो वहां हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा इसके और आगे के कंसेप्ट के बारे में, और उस कंसेप्ट में जनरली हम लोग सीखना शुरू करेंगे जीरोफेटिक प्लांट के बारे में। कुछ प्लांटों के अंदर भी अडेप्टेशन होता है एनिमल के साथ साथ, उनकी फेनोमेना क्या होती है। तो आप लोग अब क्लासेस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम आ गए हैं वापस लौट कर, तो हम लोग कंटिन्यू क्लासेस में भी रहेंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।